नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कोरोना वायरस, जिसे दुनिया कोविड-19 के नाम से जानती है, पड़ोसी मुल्क चीन के वुहान शहर में इस कोरोना वायरस ने खूब आतंक मचाया। हजारों की संख्या में लोगों को मौत की नींद सुला दिया और अब धीरे धीरे यही जानलेवा वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है। आलम यही कि अब इसने भारत में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अभी तक इस जानलेवा वायरस का कोई तोड़ नहीं निकाल पाया है। नासिर दमस की कई भविष्यवाणियां कोरोना वायरस को लेकर सामने आई और ठीक उसी तरह एक बुक में इस वायरस का जिक्र मिलता है। 12 साल पहले एक बुक में कोरोना वायरस से जुड़े कई दावे किए गए हैं, जिसे जानकर आप पूरी तरह चौंक जाएंगे। लेकिन इन दावों में आखिरकार कितनी सच्चाई है, आज यही बात हम आपको बताएंगे अपने इस खास रिपोर्ट में। बारह साल पहले हुई थी कोरोना वायरस की भविष्यवाणी। 12 साल बाद एक किताब में मिला कोरोना वायरस का जिक्र। 12 साल पहले कोरोना वायरस से जुड़े किए गए कई दावे। जैसे ही भारत में कोरोना वायरस ने दस्तक दी, वायरस से जुड़े तकरीबन 28 मामले सामने आ गए। लोग दहशत में आ गए, राज्यों को अलर्ट कर दिया गया। एहतियात के तौर पर केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई। वहीं पीएम मोदी से लेकर सीएम केजरीवाल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार के होली मिलन समारोह से दूरी बनाकर जनता से अपील की कि इस बार आप भी सामूहिक कार्यक्रमों से दूरियां बनाइए। कोरोना वायरस के चलते होली का रंग फीका पड़ा। वहीं अमेरिका, इटली और ईरान समेत कई देशों में कोरोना वायरस के मामले सामने आए। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस का परमानेंट इलाज ढूंढ रही है। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार इस जानलेवा वायरस को कैसे रोका जाए, कैसे इसके फैलते संक्रमण पर फुल स्टॉप लगाया जाए, जिसका जिक्र मिलता है 40 साल पहले लिखी एंड ऑफ डेज Prediction and Prophecies About the End of the World बुक में। इन दिनों सोशल मीडिया पर दो ऐसी किताबें वायरल हो रही हैं, जिसमें न सिर्फ कोरोना वायरस का जिक्र मिलता है, बल्कि इससे जुड़े कई दावे भी किए गए हैं। साल 1981 जब डीन कॉन्टोज नाम के इस लेखक ने द आईज ऑफ डार्कनेस किताब लिखी, 40 साल पहले डीन कॉन्टोज ने अपनी इस किताब में जिस वायरस का जिक्र किया, उसे आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जोड़ रही है। असल में लेखक डीन ने अपनी किताब में वुहान 400 नामक एक वायरस का उल्लेख किया है, जिसे वुहान शहर के बाहर एक आरडीएनए प्रयोगशाला में बनाने की बात कही गई है। वुहान 400 नाम का ये जैविक हथियार 400 लोगों के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिलाकर बनाया गया था। किताब में लिखी इन्ही बातों को कोरोना वायरस से जोड़कर देखा जा रहा है। तो द आईज ऑफ डार्कनेस की तरह एक और बुक में कोरोना वायरस का जिक्र मिलता है। 12 साल पहले लिखी इस किताब में ना सिर्फ कोरोना वायरस को लेकर कई भविष्यवाणियां की गई हैं, बल्कि इसके खात्मे का भी दावा किया गया है। देखिए, इन दिनों सोशल मीडिया पर एंड ऑफ डेज प्रेडिक्शन एंड प्रोफेसीज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड नाम की बुक वायरल हो रही है, जिसे 12 साल पहले लेखिका सिल्विया ब्राउन ने लिखा। 2008 में ये बुक पब्लिश हुई। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि किताब में जिस वायरस का जिक्र लेखिका ब्राउन ने किया है, वो भविष्य में पूरी दुनिया में आतंक मचाएगा। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि किताब में लिखा एक एक शब्द, एक एक लाइन कोरोना वायरस की भविष्यवाणी को सच साबित करती है। वायरस के बारे में इस किताब में लिखा गया, साल 2020 के आसपास एक गंभीर निमोनिया जैसी बीमारी दुनिया भर में फैल जाएगी, जो कि फेफड़ों और ब्रोंकियल नलियों पर सीधा हमला करेगी। हालांकि इस किताब में ये भी बात लिखी है कि जितनी जल्दी ये बीमारी आएगी, उतनी ही तेजी से अचानक ये बीमारी गायब हो जाएगी। हालांकि बुक में जिस बीमारी का जिक्र किया गया है, उसे आज दुनिया सिर्फ कोरोना वायरस से जोड़कर देख रही है।
तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के चलते करीब 3,500 लोगों की मौत हो चुकी है। 90,000 से भी ज़्यादा लोग इसके संक्रमण में हैं। नास्त्रदमस की भविष्यवाणियों में कोरोना वायरस का जिक्र मिलता है, किताबों में भी इस वायरस का जिक्र मिलता है, और अभी तक इस वायरस का कोई इलाज नहीं ढूंढ पाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पूरी दुनिया इस वायरस के आतंक से मुक्त हो सके। मैं जानना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस, जिसे दुनिया अब COVID-19 के नाम से भी जानने लगी है, और कोई भी इसका नाम सुनता है ना तो उसके मन में यही ख्याल आता है कि बस कोरोना वायरस मतलब मरना तय है। तो जो एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, डर का माहौल, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या हमें कोरोना वायरस से डरना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी बीमारी से दूर रहना अच्छी बात है जी। लेकिन अगर हम पुराने ऐसे बीमारियों से कंपेयर करके देखें, जैसे सार्स की बात हम करें, हम लोग सब लोग उसको पहले भी झेल चुके हैं, और उसमें जो मृत्यु के दर थे वो करीब 30% तक थे जी। अगर हम इस कोरोना, नए कोरोना वायरस की अगर हम बात करें, तो अभी तक वर्ल्ड में कुल 101,800 केसेस रिपोर्ट हो चुके, जिसमें 3400 के करीब लोगों की मृत्यु हुई है जी। पहले भी साइंस से जो रिसर्च आया था कि इसकी मॉर्टलिटी यानी मरने की संभावनाएँ 2% के आसपास हैं, और अभी हम देखें डेटा भी यही कहता है कि तकरीबन 2-3% है। फिर हम फर्दर अगर एज में हम देखें या कौन से लोगों को ये ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे लोग जो ज़्यादा एज मतलब 40 से ऊपर, अमूमन 80 से ऊपर वालों को ज़्यादा तकलीफ है, या किडनी की बीमारी हो, डायबिटिक हो, या ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, जैसे जिनको कैंसर की दवाइयाँ चलती होती हैं, या कोई और भी ऐसी बीमारी है जिसमें उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो ये सारे लोग हैं जिनमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा देखा गया है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 2-3% ही है। तो अगर हम दूसरे बीमारियों से कंपेयर करें, जिसको हमने पहले देखा हुआ सार्स को, उसके भी एपिडेमिक हुई थी, पैंडेमिक बल्कि था, उसके कंपेयर में तो इसकी मृत्यु दर तो बहुत ही कम है। तो इस तरीके से घबराने की हमें आवश्यकता नहीं है मृत्यु को लेकर, कि हम सोचें कि हम मरने वाले हैं कोरोना वायरस अगर हो गया तो। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि अगर हम देखें कि ये फैलने की बात जो है, हाँ ये ज़रूर है कि इसके फैलने की क्षमता कुछ एक वायरस जो अभी तक देखे गए थे उनसे ज़्यादा है जी। लेकिन जिस तरीके से ये आप देखेंगे, पूरे जो इन्फेक्टेड लोग हैं 1,00,000 जिनकी हम बात कर रहे थे, उसमें तकरीबन 18-20% लोग ऐसे थे जिनको अस्पताल में इलाज कराने की आवश्यकता पड़ी, और उसमें मृत्यु जो है वो 2-3% है। तो अगर ओवरऑल देखेंगे तो हम 90-80% तक के लोगों को घर पे रह के ही काम उनका ठीक हो जा रहा है, वो उससे निजात पा रहे हैं। तो शायद बचाव की ज़रूर आवश्यकता है, लेकिन शायद उतने डरने की आवश्यकता तो हमें नहीं लगती है। सर, फैलने की बात आई तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार जो कोरोना वायरस है वो किस तरह फैलता है? देखिए, मुख्य जो अभी तक देखा गया है कोरोना वायरस के फैलने का, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब अगर कोई खांसी करे या छींके तो वो जो हवा में उसके ड्रॉपलेट्स या कण जो रह जाते हैं उसमें वायरस रहता है, और दूसरा आदमी अगर सांस लेता है तो वो कण जा सकता है। जैसे टीवी के मरीज को हम कहते थे कि भाई टीवी का मरीज है तो उसके पास आप ना जाएं, तो ये एक रूप है। उसमें और भी ऐसे बहुत सारे बीमारी थे जिसके फैलने का तरीका था। दूसरा, कि कोई व्यक्ति अगर छींक रहा है तो वो जो छींक या उसके मुँह से जो कुछ अगर निकला और वो कोई सरफेस पर जाता है, टेबल पर, कुर्सियों पर या कहीं पर, तो वहाँ पे वायरस बोलते हैं कि 18-24 घंटे तक रह सकता है। या आप छींके और अपने हाथ में छींका या कपड़े में छींका या कुछ ऐसे है और उसी हाथ से आपने छुआ है, तो उस जगह पे वो वायरस थोड़ी देर के लिए रहेगा जी। तो ये इसका कॉमन मोड देखा गया है फैलने का। सर, जैसे मौसम बदल रहा है, अगर कोई छींकता भी है या फिर उसे हल्की सी सर्दी जुकाम होता है, बुखार आ जाता है, तो उसके मन में सबसे पहले यही एक संदेह होता है कि कहीं मुझे कोरोना वायरस तो नहीं हो गया। तो ऐसे में जानना चाहती हूँ कि अगर किसी को वायरल फीवर भी होता है तो वो कैसे जानेगा कि भाई उसे कोरोना वायरस के उसमें लक्षण दिख रहे हैं, उसे कोरोना वायरस हो गया, और उसे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर हम देखें कि कब हम सोचे कि कोरोना वायरस हो भी सकता है, संदेह, बिल्कुल संदेह करने की बात मैं कर रहा हूँ, अभी तो संदेह से कंफर्म होने तक में तो बहुत सारे स्टेप होते हैं, मन में यही संदेह आता है। तो संदेह अगर आता है तो अभी का मौसम ऐसा है कि कॉमन कोल्ड बहुत ही आम बात है जी, सबको आमतौर पे होता रहता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बुखार हो,
खांसी आ रहा हो, गले में खराश हो, नजला जिसको आप कह सकते हैं, तो अगर ये है तो ये ना कॉमन कोल्ड के भी लक्षण है। लेकिन साथ में अगर ये बात है कि पिछले 14 दिन के अंदर में अगर वो चाइना से आया हो, या ऐसे लोग जो चाइना से आए उनके साथ रहा हो, या आपको पता है कि कोरोना वायरस के पीड़ित व्यक्ति या मरीज के पास जाके वो रह रहा हो या उसके संपर्क में आया हो, तब वो सस्पेक्ट हो सकता है कि इसको शायद हो। लेकिन अभी इतने पे भी आप नहीं कह सकते। हाँ, उसको ज़रूर अब शायद हेल्थ केयर में जाके डॉक्टर को मिलने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन फिर से मैं रिमाइंड करूँ कि अगर होता भी है तो आपको अस्पताल में रह के इलाज कराने की संभावना 18 से 20% है जी। तो इसलिए बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है।